स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे आईसीए बोगी का बारे में। ये बोगी जो है डिफरेंट टाइप की बोगी, पहले जो बोगी यूज़ हम लोग करते थे, अभी जो बोगी यूज़ करते हैं इसका बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा आईसीए बोगी में क्या क्या कौन सा पार्ट्स है, इसका बोगी में जो है कब से चालू हुआ है, बोगी का डिफरेंट पार्ट्स का काम क्या क्या है, इसका बारे में भी बात करेंगे। फर्स्ट है टाइप ऑफ कोचिंग बोगी, दैट इज कोच में जो बोगी हम लोग यूज़ करते थे, इसी का बारे में बात डिटेल्स में बात करेंगे। फर्स्ट है आपका आईआरएस बोगी। देखिए आईआरएस बोगी, इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड जो बोगी हम लोग फर्स्ट यूज़ करते थे 1930 से 31 वहाँ जो है उस टाइम में जो वो हम लोग बोगी यूज़ करते थे उसको आईआरएस बोगी बोला जाता था। वो बोगी का जो प्राइमरी सस्पेंशन होते हैं, दैट इज व्हिच इज कनेक्टेड विद द रेल एंड द बोगी, बोगी का साथ जो रेल का जो कनेक्शन है, तो उसमें जो फर्स्ट जो चक्का व्हील है, ये जो सस्पेंशन सिस्टम उसमें व्हील का साथ जो सस्पेंशन सिस्टम हम लोग बोगी का साथ जो यूज़ करते हैं, तो उसमें हम लोग यूज़ करते थे आपका प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम में लेमिनेटेड स्प्रिंग हम लोग यूज़ करते थे। दैट इज़ प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम में हम लोग लेमिनेटेड स्प्रिंग यूज, दैट इज़ आपका जो स्टील का जो प्लेट होता था, दैट इज़ द लेमिनेटेड स्प्रिंग। आजकल जो हम लोग लॉरी में यूज़ करते हैं, दैट इज़ द लेमिनेटेड स्प्रिंग हम लोग यूज़ करते थे। इसी कोर्स में जो है हम लोग जो सेंटर पिन हम लोग यूज़ करते थे, वो सेंटर पिन द्वारा जो गाड़ी का लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता था, आपको हाफ ऑफ द लोड जो होते हैं एक एक बोगी में 50% ऑफ द लोड विल बी ट्रांसमिटेड थ्रू द सेंटर पिन। तो उस टाइम में कोई साइड बेयरर नहीं हुआ करता था, तो गाड़ी का जो है उस टाइम में जो गाड़ी का स्पीड था, आपको केबल जो है आपका 50-60 किलोमीटर आपको गाड़ी का स्पीड था। नेक्स्ट आया आपका स्केलेटन बोगी, तो वहाँ हम लोग लेमिनेटेड स्प्रिंग जो पहले आपका आईआरएस बोगी में जो हम लोग प्राइमरी सस्पेंशन में यूज़ करते थे, तो उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके वही लेमिनेटेड स्प्रिंग जो है आपका सेकेंडरी कॉइल में किए हैं, सेकेंडरी सस्पेंशन में किए हैं, लेकिन प्राइमरी सस्पेंशन सिस्टम में आपका कॉइल स्प्रिंग यूज़ किया गया था। इसमें भी जो है आपका सेंटर पिवट पिन द्वारा जो है आपका वर्टिकल लोड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ करता था। ये बोगी जो है आपका इसका स्पीड भी आपका जो है अप्रोक्सीमेटली आपको 60 kmph मैक्सिमम था, परमिसिबल स्पीड आपको 60 kmph टू 65 kmph। तो इसमें 1951 में जो है ये बोगी स्केलेटन, जिसका नाम था आपको स्केलेटन बोगी। नेक्स्ट है आपको मैनहोल बोगी। मैनहोल मतलब जिसको बोलते हैं हम लोग भारत आर्ट मोबाइल लिमिटेड बोगी जो है आपको 1959 में आपको जो है ये चालू हुआ था। ये बोगी में जो है आपका वर्टिकल लोड जो ट्रांसमिशन होता था सेंटर पिन, उसको जो है हम लोग क्या किए हैं थ्रू साइड बेयरर द्वारा, चार्ट साइड बेयरर द्वारा हम लोग बॉडी से जो है बोगी में ट्रांसमिट किए हैं। नेक्स्ट क्या किया है आपका जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी, जैसे प्राइमरी आईसीएफ आईआरएस में आपको प्राइमरी सस्पेंशन में लेमिनेटेड स्प्रिंग यूज़ किए थे, स्केलेटन बोगी में जो सेकेंडरी सस्पेंशन में हम लोग लेमिनेटेड स्प्रिंग किए थे, इसको ओमिट करके प्राइमरी बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों में जो है आपका ऑल कॉयल, दैट इज आपको जो है ना कॉयल स्प्रिंग यूज़ किया गया है। लेकिन इसमें जो है एक लैटरल जो है आपका शॉक एब्जॉर्बर यूज़ किया गया था, जो कि बोगी बूस्टर का साथ आपको बॉडी का साथ आपको कनेक्शन था, दैट इज आपको सॉरी बोगी का साथ बोगी फ्रेम का साथ आपका बोगी बूस्टर का साथ आपको कनेक्शन था, एक लैटरल शॉक एब्जॉर्बर। नेक्स्ट आया 1965 में आपका आईसीएफ ऑल कॉयल बोगी, वहाँ उससे जो है हम लोग आज अभी भी आपको आईसीएफ ऑल कॉयल बोगी हम लोग यूज करते हैं, लेकिन धीरे धीरे इसका भी जो है ऑल कॉयल बोगी इसमें जो है कोई सेंटर पिन केबल जो है आपका बोगी का साथ गाड़ी का जो है आपको कनेक्शन करते हैं, बट इट विल नॉट कैरीज एनी वर्टिकल लोड, केबल जो है लॉन्गिट्यूड दैट इज आपका ट्रैक्टिव एंड ब्रेकिंग फोर्स जो है ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम द बॉडी टू द बोगी एंड बोगी टू द बॉडी। तो ये जो आईसीए कोचेस है इसका स्पीड जो है आपका
मैक्सिमम फाइनेंशियल स्पीड आपको जो है ना 140 KMPH आपको किया गया है, लेकिन गाड़ी 110 किलोमीटर रफ्तार से गाड़ी चल रही है। नेक्स्ट आया है आपका 1998 में जो IR20 बोगी, जो कि हम लोग अभी जो है हम लोग जो P8 बोगी दैट इज आपका LHB कोर्स में हम लोग यूज़ करते हैं, ये IR20 बोगी जो है 1998 में हम लोग जर्मन से जो है दो कोर्स हम लोग इंडियन किए थे जिसमें यूज़ किया करता था आपको IR20 बोगी, इसका बारे में भी हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। अभी जो हम लोग जो P8 बोगी यूज़ करते हैं LHB में विच इज सिमिलर टू द IR20 बोगी। तो यहाँ देखिए ICF कॉइल ऑल कॉइल बोगी जो है हम लोग बोले हैं डेवलप्ड बिल्ड हुआ है ICF एंड RCF में 1965 से, इसमें जो है आपका कोई साइड बेयरर चार साइड बेयरर है, आपको साइड बेयरर द्वारा हम लोग बॉडी से बोगी में आपको लोड ट्रांसमिट करते हैं। इसमें प्रोडक्शन जो है ICF एंड RCF में 2019 से जो है बंद हो गया है, लेकिन गाड़ी अभी भी चल रहा है क्योंकि हम लोग जानते हैं गाड़ी का टोटल लाइफ है 25 ईयर्स और टोटल जो है LHB कोशिश होने जा रहा है, इसलिए जो है हम लोग इसको कारंट जो है आपको प्रोडक्शन बंद कर दिए हैं। तो यहाँ देखिए एक बोगी का दैट इज ICF बोगी का एक साइड व्यू हम लोग दिखा रहे हैं, जो नीचे में आप लोग दिखाई दे रहा है आपका यहाँ पर देखिए आपका दिखाई देगा यहाँ जो रेल लाइन है इसका साथ आपको जो है ना एक व्हील है, देखिए यहाँ पर व्हील है, व्हील का साथ आपको कनेक्टेड है रेल का साथ और बोगी का साथ कनेक्टेड है, दिस इज द एक्सेल बॉक्स। तो यहाँ जो है हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे यहाँ क्या क्या आपको पार्ट्स हैं इसका बारे में हम लोग डिटेल्स करेंगे। ये जो बोगी का है दिस इज द साइड फ्रेम ऑफ द बोगी, यहाँ जो है आपका बोगी का एक साइड फ्रेम दिखा रहे हैं, दिस इज द साइड फ्रेम ऑफ द बोगी, इसको जो बोलते हैं हम लोग बोगी बोस्टर, दिस इज द बोगी बोस्टर। यहाँ देखिए एक है आपका शॉक एब्जर्वर, यहाँ जो है आपका शॉक एब्जर्वर वर्टिकल शॉक एब्जर्वर, दिस इज द सेकेंडरी सस्पेंशन, दिस इज द प्राइमरी सस्पेंशन, प्राइमरी सस्पेंशन बोगी का साथ आपका जो है एक्सेल बॉक्स का साथ कनेक्टेड है प्राइमरी सस्पेंशन द्वारा, उसका साथ आपको एक्सेल में आपका चक्का कनेक्टेड रहते हैं, दैट व्हील इज कनेक्टेड विद द रेल लाइन, दिस इज द एक्सेल बॉक्स, दिस इज द एक्सेल बॉक्स विंग, इसको बोलते हैं हम लोग एक्सेल बॉक्स विंग, जिसका ऊपर में आपका जो है प्राइमरी सस्पेंशन आपको होल्ड करते हैं, दैट इज प्राइमरी सस्पेंशन जो है एक्सेल बॉक्स विंग का ऊपर जो है हम लोग रखा जाता है। तो यहाँ जो है फ्रेंड्स यहाँ देखिए यहाँ आप लोग देखेंगे इसका अंदर में जो है एक्सेल गाइड है, इसका बारे में भी हम लोग देखाएंगे आपको, एक्सेल गाइड है, दिस इज द प्राइमरी सस्पेंशन, प्राइमरी कॉइल स्प्रिंग यहाँ हम लोग यूज़ करते हैं, तो दिस इज द ब्रेक, दिस इज द ब्रेक ब्लॉक, दिस इज द ब्रेक शू, दिस इज द ब्रेक ब्लॉक, दिस इज द ब्रेक शू, ब्रेक शू होता है आपका जो है ना आयरन का है, और ब्रेक ब्लॉक जो होते हैं आपका कॉम्पोजिट ब्रेक ब्लॉक रहता है। यहाँ जो है आपका देखिए सेकेंडरी सस्पेंशन में, सेकेंडरी सस्पेंशन में देखिए नीचे में जो आपका जो है ना एक प्लेट है जिसको बोलते हैं आपका प्लैंक, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लैंक, ये इसका नाम है आपका जो है ना लोअर स्प्रिंग बीम, इसको बोलते हैं हम लोग लोअर स्प्रिंग बीम, ये जो है आपका सेकेंडरी सस्पेंशन दैट इज आपका कॉयल स्प्रिंग का नीचे में जो पोर्शन आपको जिसमें होल्ड करके जिसमें रखते हैं कॉयल स्प्रिंग को, उसका नाम है आपका लोअर स्प्रिंग बीम। ये लोअर स्प्रिंग बीम जो है आपका इसको हैंग करके रखते हैं बोगी का साथ, यहाँ जो है आपको BSS हैंगर, BSS पिन, BSS ब्लॉक, इसका बारे में हम लोग डिटेल्स में और बात करेंगे। तो यहाँ बोगी का जो साइड फ्रेम है, देखिए यहाँ पर बोगी का जो साइड फ्रेम है, बोगी का साइड फ्रेम का साथ एक ब्रैकेट है, इसको बोलते हैं BSS ब्रैकेट, दिस इज नोन एज द BSS ब्रैकेट। तो BSS ब्रैकेट आपका बोगी का साथ, बोगी का जो साइड फ्रेम है, बोगी का साइड फ्रेम में देखिए तीन पोर्शन रहते हैं, एक है आपका अपर पोर्शन, एक है लोअर पोर्शन, और बीच वाला जो है इसको बोलते हैं आपका सोल बार, ये लंबा लंबी आपका देखिए दिस पोर्शन इज मिडिल पोर्शन इज नोन एज द सोल बार। तो सोल बार हम लोग क्या जानते हैं, सोल बार का ऊपर में जो यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं आपका टॉप प्लेट, दैट इज आपको जो है टॉप फ्लेंज,
नीचे वाला पोर्शन जो है लोअर प्लेन्स, लोअर प्लेन्स में जो है आपका कनेक्टेड है आपका बीएसएस ब्रैकेट, बीएसएस ब्रैकेट में जो होल रहते हैं उसमें बूश रहता है, उसका साथ आपका जो है ना एक पिन आपको अंदर में घुसाते हैं, उसका साथ एक ब्रेक ब्लॉक है, दैट इज बीएसएस आपको ब्लॉक है, ये ब्लॉक का साथ हम लोग हैंग करते हैं आपका हैंगर द्वारा, उसी का साथ आपका जो है ना नीचे में जो लोअर स्प्रिंग प्लैंक है, ये लोअर स्प्रिंग प्लैंक का जो नीचे वाला पोर्शन है इसमें आई होल है, उसमें भी आपको पिन ब्लॉक देके हम लोग हैंगर द्वारा इसको हैंग करके रखते हैं। इसके अलावा एक जो है आपका शॉक एब्जॉर्बर है, दोनों साइड में आपको बोस्टर, इसको बोस्टर का साथ दैट इज लोअर स्प्रिंग प्लैंक का साथ आपका कनेक्टेड है आपका बोगी का साथ, आपका दैट इज बोस्टर का साथ, बोस्टर का साथ आपको कनेक्ट करते हैं ताकि जो है आपको सस्पेंशन सिस्टम के साथ ये जो है अप एंड डाउन मूवमेंट हो सके। नेक्स्ट जो है यहाँ पर देखिए एक है आपका ये जो एक्सेल बॉक्स विंग हम लोग बोले हैं जिसका ऊपर में हम लोग प्राइमरी सस्पेंशन रखते हैं, इसके अलावा बाहर वाला एक पोर्शन है जिसको बोलते हैं लाग, एल यू जी लाग, ये लाग जो है आपको किस काम के लिए आता है इसका बारे में भी हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हम लोग बोले हैं बोगी बोस्टर विथ साइड बेयरर एंड द सेंटर पिवट हेस्टॉक बोगी साइड पे, यहाँ आप लोग थोड़ा सा जो है इसको ये नोट करके रखिए, बोगी बोस्टर विथ साइड बेयरर एंड सेंटर पिवट हेस्टॉक बोगी साइड पे विथ सोल प्लेट, इसका बारे में हम लोग बात किए हैं। बोगी टांगडूम ये नहीं दिखाया है, हम बोलेंगे इसका बारे में, व्हील एंड एक्सेल बोगी लॉन्गिट्यूडिनल बीम एक्सेल गाइड बीएसएस ब्रैकेट एक्सेल बॉक्स एंड बियरिंग शॉक एब्जर्वर ब्रेक हैंगर ब्रैकेट एंकर लिंक इक्वलाइजिंग स्टे ट्यूब एक्सेल गाइड एंड बोस्टर सेफ्टी ब्रैकेट सेकेंडरी सस्पेंशन बिटवीन द बोगी सेकेंडरी सस्पेंशन बिटवीन द बोगी बोस्टर एंड द बोगी फ्रेम हम लोग बोले हैं, प्राइमरी सस्पेंशन जो है बिटवीन बोगी फ्रेम एंड एक्सेल, बियरिंग जो है आपका अरेंजमेंट रहते हैं एक्सेल बॉक्स में, ब्रेकिंग सिस्टम एक्सेट्रा ब्रैकेट फॉर बोस्टर दैट इज ड्यूअल ब्रैकेट, ये जो है आपका किस लिए कनेक्शन है इसका भी हम लोग बात करेंगे। लोअर स्प्रिंग सीट जिसको हम लोग बोलते हैं जो डैशबोर्ड, उसका ऊपर में जो है लोअर स्प्रिंग सीट का ऊपर में जो है एक प्रोटेक्शन ट्यूब भी रहते हैं, लोअर स्प्रिंग बीम है जो कि हम लोग बोले थे फ्लैंक, लोअर स्प्रिंग फ्लैंक ये लोअर स्प्रिंग बीम। तो अभी फ्रेंड यहाँ देखिए हम लोग एक जो है ना बोगी का एक टॉप व्यू दिखा रहे हैं, तो टॉप व्यू में जो है ना पूरा डिटेल आपको दिखाई देगा, जो हम लोग पहले बोले थे आपका दिस इज द साइड फ्रेम, ये जो है आपका साइड फ्रेम है, यहाँ पर भी साइड फ्रेम है, यहाँ पर भी साइड फ्रेम है, दोनों साइड फ्रेम को आपको कनेक्ट किया है आपका एंड में, दोनों एंड में जो है आपको कनेक्ट किए हैं, इसको बोलते हैं आपका हेड स्टॉक, इसको बोलते हैं हेड स्टॉक। तो दोनों साइड में जो बोगी का जो कनेक्ट करते हैं दोनों आपका साइड फ्रेम द्वारा, इसको बोलते हैं हेड स्टॉक। ये हेड स्टॉक का साथ आपका जो है दो आपको जो है देखिए यहाँ पर आपको एक, यहाँ पर एक, इधर भी आपको जो है ना एक एक, यहाँ पर एक, चार जो है आपका लॉन्गिट्यूडिनल बीम है, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल बीम। ये लॉन्गिट्यूडिनल बीम इसका साथ कनेक्ट करते हैं आपका जो है ना बोगी का, देखिए साइड फ्रेम का साथ एक दो सॉलिड पार्ट है, इसको बोलते हैं आपका बोगी टांजुम, इसको बोलते हैं बोगी टांजुम, मतलब बोगी टांजुम इज कनेक्टेड विद द टू साइड फ्रेम ऑफ द बोगीज। तो दोनों साइड फ्रेम बोगी का साइड फ्रेम का साथ आपको कनेक्ट करते हैं मिडिल पोर्शन में आपका जो है ना दो टांजुम, दिस इज द रोबस्ट पार्ट ऑफ द बोगी, ये बोगी का साथ ए दिस टांजुम बोगी टांजुम इज कनेक्टेड विद द लॉन्गिट्यूडिनल बीम, विच दिस लॉन्गिट्यूडिनल बीम इज कनेक्ट विद द हेस्टॉक एंड द बोगी टांजुम। और यहाँ देखा रहा है देखिए दिस इज नोन एज द ब्रेक बीम, दिस इज नोन एज द ब्रेक बीम, इट इज हैविंग द इज बोगी हैविंग द फोर ब्रेक बीम, पहले एक ब्रेक बीम है, दो ब्रेक बीम है, इधर भी आपको जो है ना दो ब्रेक बीम देखा जा रहा है, चार ब्रेक बीम है, ये चारों ब्रेक बीम का साथ आपको जो है कनेक्टेड है आपका लीवर का साथ, इसको भी हम लोग दिखाएंगे। और यहाँ देखा रहा है देखिए दिस इज द एक्सेल, दिस इज द एक्सेल, एक्सेल में यहाँ देखा रहे हैं एक जो है आपका भी पुली है,
जो कि ऑल्टरनेटर से कनेक्ट रहते हैं, जिसमें ऑल्टरनेटर को हम लोग चार्जिंग चार्ज करते हैं, दैट इज बैटरी सॉरी ऑल्टरनेटर द्वारा हम लोग जो बैटरी है बैटरी को चार्ज करते रहते हैं, क्योंकि जब गाड़ी मूवमेंट नहीं होते हैं तो बैटरी जब चार्ज करेंगे तो आपको उसी द्वारा एन एन लाइट जलेंगे। तो ये एक्सेल का साथ आपका जो है यहाँ जो है एक व्हील कनेक्टेड है, इधर भी आपको एक व्हील है एक व्हील है, तो एक्सेल और व्हील मिल के जो है जो पोर्शन है इसको बोलते हैं आपका व्हील सेट। एक्सेल व्हील बियरिंग इसका एंड पोर्शन में जिसको बोलते हैं एक्सेल का एंड पोर्शन जिसको जिसमें बियरिंग फिटिंग रहता है उसको हम लोग बोलते हैं जर्नल पोर्शन। यहाँ पर देखिए एक बोगी बोस्टर हम लोग दिखा रहे थे साइड से बोगी बोस्टर, ये बोगी बोस्टर में इसमें जो है एक पीवट है, पीवट है जिसको बोलते हैं बोगी सेंटर पीवट, दैट इज सेंटर पिन का साथ बॉडी में जो है आपका मेल पार्ट है, यहाँ पर आपको फीमेल पार्ट है बोगी में, तो ये मेल पार्ट का साथ आपको फीमेल पार्ट का आपको कनेक्शन रहते हैं, जो फीमेल पार्ट जिसमें बोगी में कनेक्टेड है बोगी बोस्टर में उसको बोलते हैं सेंटर पिवट। नेक्स्ट है क्या, यहाँ देखिए डॉटेड लाइन है जिसमें हम लोग पहले बोले थे आपका डुअल एक डुअल ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट जो है इसको हम लोग ब्रैकेट फॉर बोस्टर भी बोलते हैं, तो आपको दो ब्रैकेट रहता है यहाँ पर एक ब्रैकेट यहाँ पर एक ब्रैकेट, उसमें जो है आपका डॉटेड लाइन जो होते हैं तो वो डॉटेड लाइन द्वारा हम लोग जो है ना एक इक्वलाइजिंग स्टेट ट्यूब हम लोग कनेक्ट करते हैं, तो दैट इज इक्वलाइजिंग स्टेट ट्यूब इज कनेक्टेड, इक्वलाइजिंग स्टेट ट्यूब इज कनेक्टेड, दिस डॉटेड लाइन इज कनेक्टेड इज नोन एज द इक्वलाइजिंग स्टेट ट्यूब। ये जो इक्वलाइजिंग स्टेट ट्यूब है इट इज कनेक्टेड विद द डुअल ब्रैकेट एंड द लोअर स्प्रिंग प्लैंक, ये जो है लोअर स्प्रिंग प्लैंक को जो है एक निर्दिष्ट दूरी पर जो है ना उसको फिक्स करके रखते हैं, इसका बारे में भी हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट जो है यहाँ देखिए साइड बेयरर ऑयल पॉट है, दिस इज द साइड बेयरर ऑयल पॉट, दिस इज द साइड बेयरर ऑयल पॉट, ये साइड बेयरर ऑयल पॉट में जो है हम लोग जो तेल यूज़ करते हैं ऑयल जो यूज़ करते हैं इसमें 2 लीटर्स ऑयल पार्ट जो है आपका साइड बेयरर ऑयल पॉट में यूज़ करते हैं। तो इसका अंदर में क्या है आपका साइड बेयरर हम लोग जानते हैं जो साइड बेयरर है वहाँ पर जो है आपका बॉडी में का वो बॉडी बोस्टर के साथ कनेक्टेड रहते हैं, इसमें जो है आपका जो साइड बेयरर रहते हैं साइड बेयरर ऑयल पॉट इसमें जो है एक प्लेट रहता है वेयरिंग प्लेट और एक है आपका वेयरिंग पीस, एक है वेयरिंग पीस एक है वेयरिंग प्लेट, तो इसका बारे में भी डिटेल्स में बात करेंगे। लोड जो है आपका इसी में आता है और उसका बाद आपका बोगी बोस्टर में जाता है, बोगी दोनों साइड में आपका बोगी बोस्टर में जाता है, बोगी बोस्टर का नीचे में लगा हुआ है आपका सेकेंडरी सस्पेंशन, सेकेंडरी सस्पेंशन का नीचे में लगा हुआ है आपका लोअर स्प्रिंग बीम व्हिच इज कनेक्टेड विद द बीएसएस हैंगर ब्रैकेट एंड अदर पार्ट्स विद द बोगी थ्रू द बोगी बीएसएस ब्रैकेट और उसी से जो है बोगी में लोड ट्रांसमिशन होता है वर्टिकल लोड ट्रांसमिशन। तो यहाँ फ्रेंड्स यहाँ हम लोग देखा रहे हैं कुछ बेसिक पैरामीटर ऑफ द आईसीएफ बोगी, यहाँ पर देखिए मैक्सिमम एक्सेल लोड हम लोग जानते हैं 2 टाइप का बोगी आपका होता है यूज़ किया जाता है, दैट इज आपको 16.25 टन्स बोगी विच इज यूज इन द एसी कोर्सेज एंड अदर इज मॉडिफाइड 13 टन्स बोगी जो कि हम लोग नॉर्मली जो कोर्स यूज़ करते हैं जीएससीएन कोर्स ये जो है आपका जीएस कोर्स एक्सेट्रा जिसमें हम लोग बोगी यूज़ करते हैं वो 13 टन का है 13 टन मॉडिफाइड। नेक्स्ट है आपका व्हील बेस, व्हील बेस मतलब आपको दो व्हील का एक ही बोगी में देखिए यहाँ पर दिखा रहे हैं आपका ये जो एक ही बोगी में हम लोग बोले थे दो व्हील सेट है, इसका जो सेंटर है ये सेंटर से एक ही बोगी का जो दूसरा एक्सेल का जो सेंटर है इसको बोलते हैं व्हील बेस डिस्टेंस, ये व्हील बेस डिस्टेंस भी जो है ना एक स्टैंडर्ड रखा जाता है आईसीएफ में, जो व्हील बेस डिस्टेंस है इसमें है 2896 मिलीमीटर। यहाँ हम लोग देख रहे हैं देखिए व्हील बेस डिस्टेंस जो है आईसीएफ में जो यूज़ करते हैं दैट इज 2896 मिलीमीटर, वेयर एज इन केस ऑफ एलएसबी बोगी द व्हील बेस डिस्टेंस इज 2560 मिलीमीटर, दैट इज 2560 मिलीमीटर। आईसीएफ में होता है 2896 मिलीमीटर,
एलएचबी में जो व्हील बेस हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ पोजिशन 60 मिलीमीटर, आप लोग जानते हैं जितना व्हील बेस कम होंगे उतना गाड़ी जो है कार्ब निगोशिएशन में ज़्यादा स्पीड आपको गाड़ी में दे सकते हैं, जिसमें व्हील का वेयरिंग, फ्लेंज का, ये व्हील का जो रूट है, माने फ्लेंज का जो रूट रेडियस है उसमें जो है आपका वेयरिंग कम होगा जितना आपका व्हील बेस डिस्टेंस कम होंगे और गाड़ी का स्पीड भी आपको ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट है आपका व्हील डायमीटर। फ्रेंड्स, हम लोग जो यहाँ जो व्हील हम लोग यूज़ करते हैं ICF में, तो इसमें जो है आपका देखिए यहाँ पर हम लोग जो व्हील यूज़ करते हैं ICF में 915 मिलीमीटर इज़ द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द व्हील वी यूज़ इन द ICF कोर्सेज। 915 मिलीमीटर जो है मैक्सिमम डायमीटर का व्हील हम लोग यूज़ करते हैं ICF कोर्स में। नेक्स्ट है एक्सियल गाइडेंस। एक्सियल गाइडेंस में एक्सियल हम लोग जानते हैं आपका ICF कोर्स में जो है आपका जो एक्सियल गाइडेंस माने एक्सियल का साथ आपको कैसे कनेक्शन है, टेलीस्कोपिक एक्सेल गाइड विद द ऑयल डंपिंग। यहाँ पर देखिए हम लोग जो एक्सेल गाइडेंस हम लोग करते हैं टेलीस्कोपिक एक्सेल गाइडेंस विद द ऑयल डंपिंग के साथ हम लोग यूज़ करते हैं। मतलब क्या है, आपको जो एक्सेल एक्सेल है उसमें जो आपका जो है डैशबोर्ड रखा जाता है उसमें जो है आपको ऑयल देके वर्टिकली जो है एक्सेल गाइड को हम लोग मूव कराते हैं, दैट इज़ जिसमें टेलीस्कोपिक गाइडेंस होते हैं, तो इसका बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। नेक्स्ट होता है आपका प्राइमरी सस्पेंशन। प्राइमरी सस्पेंशन में कॉयल स्प्रिंग, सेकेंडरी सस्पेंशन जो यूज़ करते हैं उसमें भी कॉयल स्प्रिंग हम लोग यूज़ करते हैं, इसलिए इसका नाम है आपका ऑल कॉयल बोगी। नेक्स्ट है आपका शॉक एब्जॉर्बर। ICF बोगी में जो हम लोग जो है जो शॉक एब्जॉर्बर यूज़ करते हैं इसमें जो है प्राइमरी सस्पेंशन में वर्टिकल जो है आपका जो शॉक एब्जर्बर है उसमें कोई शॉक एब्जर्बर अलग से यूज नहीं करते हैं, केवल जो है आपका सस्पेंशन सिस्टम में जो ऑयल डैम्पिंग करते हैं दैट इज द आपका शॉक एब्जर्बर, वही शॉक एब्जर्बर काम करते हैं। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोलिक डबल एक्टिंग वर्टिकल शॉक एब्जर्बर, सेकेंडरी सस्पेंशन में हम लोग केवल इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसफर ऑफ फोर्स बॉडी वेट। बॉडी का वेट जो होते हैं वो आपको ट्रांसफर करते हैं आपको थ्रू द साइड बेयरर। तो साइड बेयरर यहाँ जो सेंटर पिन है हम लोग का जो कि जिसको हम लोग बोलते हैं बॉडी बूस्टर का साथ आपको कनेक्टेड है सेंट्रली, तो वही सेंटर पिन का जो सेंटर होता है वहाँ से जो है 800 मिलीमीटर अपार्ट में आपका जो है बोगी बॉडी बूस्टर का साथ आपका साइड बेयरर को वेल्डिंग करते हैं आपको 800 मिलीमीटर मतलब राइट साइड में 800 मिलीमीटर, लेफ्ट साइड में भी 800 मिलीमीटर अपार्ट में जो है हम लोग इसको जो है वेल्डिंग करते हैं। दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू साइड बेयरर ऑन द सेम बोस्टर इज 1600 मिलीमीटर व्हिच ट्रांसमिट द वर्टिकल लोड। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है हम लोग ICF में ICF बोगी में जो है क्या क्या पार्ट्स है इसका बारे में हम लोग डिटेल्स में बात किए हैं। इसके अलावा जो है आपका और बात करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर हम लोग एक बोगी को जो है आपको देखिए उलट के हम लोग देखा रहे हैं, इसका बारे में भी हम लोग डिटेल्स में और बात करेंगे। यहाँ पर देखिए जो एक्सेल गाइड के बारे में बोले थे, दिस इज द एक्सेल गाइड तो व्हिच इज कनेक्टेड विद द बोगी लोअर फ्लेंज। बोगी लोअर फ्लेंज में जो है आपका इसमें वेल्डिंग करके इसमें फिटिंग किया है एक निर्दिष्ट दूरी पर। उसका बाद दिस इज द BSS ब्रैकेट, इसको बोलते हैं BSS ब्रैकेट व्हिच इज कनेक्टेड विद द लोअर फ्लेंज ऑफ द बोगी साइड प्लेट, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो है देखिए दो बेस प्लेट हम लोग रखते हैं, इसको बोलते हैं बेक सिलेंडर का बेस प्लेट, मतलब बेस सिलेंडर फिटिंग करने के लिए यहाँ जो है ना दो बेस प्लेट वेल्डिंग किया गया है। तो इसमें जो है आपका चार होल है जिसमें आपका जो है ना सिलेंडर को हम लोग चारों होल में चार टू नॉट बोल द्वारा हम लोग फिट करते हैं। इसके अलावा देखिए एंड पोर्शन में इसको बोलते हैं आपका हेस्टॉक, इसको बोलते हैं हेस्टॉक, दिस इज बोगीज लॉन्गिट्यूडिनल बीम, दिस आर द बोगी लॉन्गिट्यूडिनल बीम, चार है आपका। यहाँ पर देखिए एक मोटर का टेंशन रॉड आपको फिट करने के लिए यहाँ पर जो है एक स्टैंड लगाया दिया गया है, इसका साथ आपका जो है ना यहाँ पर ऑल्टरनेटर को आपको हैंग करने के लिए ब्रैकेट लगा दिया जाता है।
इसके अलावा एंकर लिंक भी जाता है, एंकर लिंक ब्रैकेट, यहाँ जो एक एक बोगी में आपका दो एंकर लिंक ब्रैकेट आपको रहता है बोगी में, इसके अलावा बोस्टर में भी दो एंकर लिंक ब्रैकेट रहता है, जिसका जिसमें जो है बोस्टर को बोगी का साथ आपको डायगोनली जो है आपको हम लोग फिटिंग करते हैं थ्रू द एंकर लिंक। तो दिस इज द एंकर लिंक ब्रैकेट। यहाँ पर जो है इसको बोलते हैं ब्रेक हैंगर ब्रैकेट, दिस इज द ब्रेक हैंगर ब्रैकेट। तो एक एक बोगी में देखिए यहाँ पर जो है आपको टोटल नंबर ऑफ ब्रेक हैंगर ब्रैकेट 8 तो होते हैं, इसका मतलब आपको जो है ना यहाँ पर 1, 2, 3, 4 उल्टा साइड में भी आपको जो है ना 1, 2, 3, 4 तो 4 तो उधर भी आपको है, इधर भी 4 तो है, तो 4 जो 8 जो है आपका ब्रेक हैंगर ब्रैकेट आपको फिटिंग करते हैं। आपको दो होता है आप एक साइड में, दो होता है आपको हेस्टॉक का साथ, दैट इज आपको टोटल 4 नंबर आपको हेस्टॉक का साथ, और दो जो होते हैं 4 जो होते हैं वो आपका बोगी ट्रांसडूम का साथ आपको कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा आपका जो है यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4 यहाँ जो है हम लोग 4 जो है एक एक साइड में, इसका मतलब इधर भी आपको 4 तो जो है आपका इसको बोलते हैं आपको सेफ्टी वायर रोप ब्रैकेट, सेफ्टी वायर रोप ब्रैकेट। ये सेफ्टी वायर रोप ब्रैकेट हम लोग आपका जो है ना एक एक बोगी में 8 तो होल्डिंग करके रखते हैं, जिसमें जो है हम लोग वायर रोप को हैंग करते हैं, दैट इज टू कनेक्ट द बट टू हैंग द ब्रेक बीम फ्रॉम द बॉडी बा विद द बॉडी। तो यहाँ देखिए 4 रॉड है यहाँ पर, 4 को यहाँ इधर 1, 2 आपका जो है यहाँ 1, 2, 4 इधर भी आपको 4 को है, टोटल 8 नंबर जो है आपका एक्सेल गाइड स्टैंड जो है सेफ्टी, माने सेफ्टी स्टैंड जो है यहाँ लगा दिया गया है। इसका साथ हम लोग जो है एक्सेल प्राइमरी सस्पेंशन का जो लाग बोले थे आपके एक्सेल बॉक्स का जो लाग है उसका साथ आपका सेफ्टी रॉड का साथ आपका जो है एक क्लैंपिंग करेंगे, उसमें जो है आपको हैंग करके आपको एक्सेल बॉक्स को आपको हैंग करके रखते हैं, ताकि एक्सेल बॉक्स जो है जो स्प्रिंग है कभी जो है नीचे में नहीं गिर जाए, ये एक साइड में जो है ज़्यादा लोड नहीं पड़े उसके लिए जो है ना एक सेफ्टी जो है एक्सेल गाइड स्प्रिंग एक्सेल गाइड स्प्रिंग का साथ इस स्प्रिंग को गाइड करने के लिए एक सेफ्टी क्लैंप लगाया दिया जाता है। मतलब आपको जो है ना टोटल 8 वो एक्सेल गाइड है, इसलिए 8 तो जो है आपका एक्सेल गाइड सेफ्टी रॉड या सेफ्टी क्लैंपिंग स्टैंड जो है आपको लगा दिया गया है। यहाँ देखिए जो लॉन्ग स्पिनल बीम है, लॉन्ग स्पिनल बीम में आपको जो है ना 1, 2, 3, 4 यहाँ 4 को जो है ब्रैकेट लगा दिया गया है, जिसमें जो है हम लोग क्या करते हैं आपका जो लीवर है उसको लीवर को हैंग करके रखते हैं, विच इज कनेक्टेड विद द ब्रेक बीम। ब्रेक बीम का साथ आपको कनेक्ट करते हैं, दो ब्रेक बीम का साथ, दैट इज इस पोर्शन का ब्रेक बीम और इस पोर्शन का ब्रेक बीम का साथ आपको जो लीवर अगर आते हैं उसी लीवर का साथ आपको कनेक्ट करते हैं एक कनेक्टिंग लिंक द्वारा, ताकि जो है दोनों एक साथ में आपको काम करें। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग का जो है टॉपिक्स यहाँ पर ख़त्म होते हैं। उम्मीद है आपका बोगी का डिफरेंट पार्ट्स का बारे में आपको मालूम हो गया। अगला जो मेरा वीडियो रहेगा उसमें हम लोग बात करेंगे ये डिफरेंट पार्ट्स जो आज बताए हैं इसका जो है फंक्शन के बारे में, दैट इज़ आपको एक्सेल गाइड का आपको फंक्शन क्या है, आपको एंकर लिंक ब्रैकेट का फंक्शन क्या है, साइड बीम का काम क्या है, ये सब का बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।